हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता जी। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। आज बात करते हैं क्यू एंड ए के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। सर, मेरे पिता जी ने लोन लिया था जमीन पे, उनकी डेथ हो चुकी है, वो माफ़ हो सकता है क्या? भाई साहब, सबसे पहले तो अगर आपके पिताजी की डेथ हो चुकी है तो आप उनका डेथ सर्टिफिकेट मंगवाइए। दूसरा, आपने लिखा कि ज़मीन पे लोन लिया था, ज़मीन पे लोन लिया था, कितने साल पहले आपने लोन लिया था? बैंक से लिया था, NBFC कंपनी से लिया था या और कहीं से लिया था? ये आप दोबारा से कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आज से 30-35 साल पहले लोन लिया होगा तो उस टाइम लोन सिक्योर करने का रिवाज नहीं था, तो उनका लोन सिक्योर नहीं होगा। अब उनकी डेथ भी हो गई है, लेकिन अब भी जो उनके लीगल हायर होंगे, जो उनके लीगल वारिस होंगे, जिनके नाम वो ज़मीन जाएगी, अब लायबिलिटी उनकी है, उनको वो पैसा चुकाना पड़ेगा बैंक का, वो पैसा और उनका ब्याज आपके पिताजी के बाद जितने उनके कानूनी रूप से वारिस हैं उन सबको चुकाना पड़ेगा। हाँ, अगर 5-7 साल पहले लिया होगा तो ये काफ़ी सालों से ये रिवाज चल गया है कि कोई भी लोन, कोई भी बैंक, कोई भी NBFC कंपनी लोन सिक्योर के बिना किसी को लोन देती नहीं। लोन सिक्योर मीन्स ऋण सुरक्षा, हिंदी में इसको बोलते हैं। मतलब आज मैंने लोन लिया, भगवान ना करे मैं 2-5 साल के बाद नहीं रहा, तो वो लोन मेरे बच्चों को पे नहीं करना पड़ेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी उसका पेमेंट कर देगी, उस बैंक या NBFC कंपनी को बकाया पैसे दे देगी, और जो मेरी जमीन, मकान, दुकान, जो भी चीज मैंने गिरवी रखी होगी उनके पास, या पैसे लेके लोन पे मकान बनाया होगा, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। जो मेरे कानूनी वारिस होंगे या जो मैंने नॉमिनी बनाया होगा, उसको वो डॉक्यूमेंट्स, वो रजिस्ट्री उल्टी कर दी जाएगी और NOC दे दी जाएगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, के बैंक या NBFC कंपनी को अब कोई इतराज नहीं है, और कोई भी पैसा बैंक और NBFC कंपनी ने मेरे बच्चों या मेरी वाइफ से, बीवी से नहीं लेना है। अब वो इस मकान को बेचे, रखे, कुछ भी करे, या वो जमीन भी हो, इस तरीके से ऋण सुरक्षा काम करती है। लेकिन एक कुछ टाइम पहले मेरे पास ऐसा कमेंट भी आया था, वो कह रहे थे जी ऋण सुरक्षा हो रही, अब मेरे से पैसे नहीं दे जा रहे तो वो इंश्योरेंस वाले भर देंगे। भाई साहब, इंश्योरेंस वाले, इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जो आपके सिर के ऊपर खतरा है, वो खतरा आपने कंपनी के सिर के ऊपर डाल दिया। मतलब खतरा क्या था? डेथ का। भाई जो डेथ होगी तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी की डेथ हो जाएगी, जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो फाइनेंशियल लॉस वो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर देगी। लेकिन अगर आप अपने जीते जी ही उस बैंक या NBFC कंपनी की किस्त नहीं दे रहे, तो ऐसे सारी दुनिया के अंदर कोई इंश्योरेंस नहीं है जो आपका पैसा पे कर देगा। इसमें बस आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप अपने फादर साहब का ये मुझे दोबारा से कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको एक्यूरेट बता दूंगा कि उसमें ऋण सुरक्षा थी या नहीं थी, आपका लोन सिक्योर था क्या नहीं था, वो आपको दोबारा पैसे उनके भरने हैं क्या नहीं भरने। सयाज पठान, सर आपका फोन नंबर मिल सकता है क्या? इन्होंने कई कमेंट किए हैं, आगे भी किया है, सर आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको फीस भी दे दूंगा। भाई साहब, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा जो चैनल है और जो मेरी डिसेंट एडवाइज है, ये आम आदमी के लिए है, चाहे इसको खास आदमी भी ले। मैं किसी से किसी भी तरह की एडवाइस देने का कभी कोई पैसा ना मैंने आज तक लिया और ना ही फ्यूचर में लूँगा। हाँ, मेरी एडवाइस में 1% भी फर्क हो, जो सजा काले चोर की है वही मेरी है। 100% डिसेंट एडवाइस दूंगा, जो बैंक के राइट्स हैं वो बता दूंगा, जो NBFC कंपनी के राइट्स हैं वो बता दूंगा, और जो आपके राइट्स हैं वो बता दूंगा। या और भी किसी विषय में आपको किसी भी तरह की एडवाइस लेनी है, मैं आपको फ्री में दे दूंगा। रही बात मोबाइल नंबर देने की, वो मैं किसी को अपना मोबाइल नंबर नहीं देता, उसका क्या कारण है आप देख लेना। मेरे पास रोज 150-200
कमेंट आते हैं, अगर मैं अपना मोबाइल नंबर पब्लिश कर दूं तो मैं 150-200 आदमियों के सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, और मैं खुद से भी बिजनेस व्यापार करता हूं तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता। हां, आप कमेंट करेंगे, जैसे ही मैं फ्री होता हूं मैं उसका जवाब जरूर देता हूं। जैसे अभी मैंने आर्बिट्रेशन के बारे में एक वीडियो बनाई, कोई ऐसा कमेंट आए जो मुझे लगता है यार ये तो लाखों आदमियों की समस्या है, उस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बना देता हूं। उसके बाद अभी आपने ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें एक आदमी है, उनके फादर साहब की डेथ होगी, उनका लोन था, उनका भी बारे में मैंने डिटेल में वीडियो में बता दिया है। अगर आपके टॉपिक पे वीडियो भी नहीं बनेगी तो आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा, हो सकता है 1-2 घंटे लेट हो जाए, जैसे ही मैं फ्री होता हूं मैं कमेंटों को जवाब देने शुरू कर देता हूं। आप अपना कमेंट जो है डिटेल में लिखें, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। बाकी फोन के लिए माफी चाहूंगा। राजेश कुमार, मोरेटोरियम लिया था लेकिन रिस्ट्रक्चर नहीं लिया और किस्त अभी नहीं दिया, क्या मेरा राइट ऑफ हो गया है? भाई साहब, राइट ऑफ ऐसे नहीं होता। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि मैंने इस टॉपिक पे एक ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, कल डाली थी, वो आप देख लेना उसको। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि बैंक या NBFC कंपनी ने अपना पैसा आपके ऊपर छोड़ दिया, अब वो जिंदगी में कभी अपना पैसा नहीं लेंगे। लेकिन राइट ऑफ ऐसे नहीं होता कि सबका ही राइट ऑफ हो जाएगा, ऐसे सबका राइट ऑफ होने लग जाए तो ये भी अपने आप ही नंगड़ हो जाएंगे मेरे यार, ये किसी तभी सब तई पैसा देगा, सारे कहेंगे राइट ऑफ कर दे भाई, फ्यूचर में लोन ही ना दियो मेरे को, कोई बात नहीं, लेकिन इसको छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। ये ज्यादातर मैंने अनसिक्योर लोन में होता देखा, सिक्योर लोन में कभी राइट ऑफ नहीं होता। सबसे पहली बात, अनसिक्योर लोन में भी कब होता है, जब आप 2-3 किस्त नहीं देते तो ये 99% जो 54 छाप रिकवरी एजेंट है इनको कुत्तों की तरह आपके पीछे लगा देते हैं, फिर भी किसी आदमी के पैसे नहीं होते, वो इनका भी मुकाबला करता है, फिर ये बैंक उसमें चले जाते हैं, नोटिस देते हैं, लीगल नोटिस देते हैं, फिर अगर ये देखते हैं कि अगर इसकी अमाउंट ही बहुत कम है, NPA में भी आपका केस डाल दिया, तो इनको ये समझ में आ जा, साल 1.5-2 साल 3 साल हो गया आपने पैसा इनका दिया ही नहीं, वो क्रेडिट कार्ड का पैसा है या पर्सनल लोन है वो है थोड़ा सा, तो ये बैंक या NBFC कंपनी ये समझती है कि इसके पास है ही नहीं, ये देगा ही नहीं, इसके ऊपर अपना टाइम खराब करना बेकार है, तो वो ज्यादातर उस केस में केस भी नहीं करते आपके ऊपर सिविल का भी कोर्ट में, और उसको राइट ऑफ कर देते हैं, आपकी सिविल में रिपोर्ट भेज देते हैं राइट ऑफ की कि हमने इस आदमी के ऊपर अपना ये पैसा छोड़ दिया क्योंकि ये हमारा पैसा नहीं दे रहा था, इसको राइट ऑफ बोलते हैं। आप इस भ्रम में ना रहे कि आपका जो लोन है वो राइट ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसे नहीं होएगा, वो बैंक के विवेक के बैंक ने खुद से निर्णय लेना होता है, वो अलग अलग बैंक और NBFC कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है कि वो किस लोन को राइट ऑफ करेंगे और कितने अमाउंट तक के लोन को राइट ऑफ करेंगे और कितने पीरियड के बाद उसको राइट ऑफ करेंगे। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि आपका लोन राइट ऑफ हो जाएगा। आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार की किसी तरह की कोई समस्या हो उसके पास मेरा ये वीडियो शेयर करें और उनको बोले, जो भी उनकी समस्या है वो कमेंट में लिख के मुझे बताएं, प्लीज मेरा मोबाइल नंबर ना मांगे, वो मैं किसी को भी प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं। ऐसे ही आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।